वेलकम बैक बच्चों, क्लास एट्थ आपका स्टडी टाइम 11 में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आप लोगों ने पदार्थ के बारे में पढ़ा, पदार्थ के धातुओं और धातुओं के बारे में भी कल मैंने आप लोगों को बता दिया था और उनके भौतिक गुणों के बारे में भी आपको बताया था। तो आपने भौतिक गुणों के बारे में जान लिया है, तो अब इसके रासायनिक गुणों के बारे में भी जान लीजिए कि धातुओं और धातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं। देखिए, धातुओं धातुओं को पहले तो हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन में आप क्या देखते हो कि धातुओं पर जंग लग जाती है। बेटा, आप लोग देखते होंगे कि लोहे में जंग लग जाती है ना। जैसे लोहा है, उसमें रेड कलर के रेड जैसे हल्का हल्का सा देखने को मिलता है खुरचन सी उसकी, और लोहे का पूरा वो जिसको हम संक्षारण भी बोलते हैं हिंदी में, तो जंग लगना एक तरीके से, तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। क्लास सेवेंथ में आप लोगों ने मैग्नीशियम रिबन के बारे में पढ़ा था। मैग्नीशियम रिबन को जब हम वायु में जलाते हैं, मतलब जलाते तो हमारी चीज़ को वायु में ही है, बिना वायु के प्रेजेंस के कोई भी वस्तु नहीं जला सकते हैं, ठीक। तो मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं तो हम क्या देखते हैं, क्या देखा था आप लोगों ने कि दोनों ही प्रक्रम में ऑक्साइड बनते हैं, ठीक है। आयरन को अगर भी आप जलाएं, मतलब आयरन के का अभी वायु के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, उसके ऑक्साइड बनते हैं। मैग्नीशियम का भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है तो मैग्नीशियम के ऑक्साइड बन जाते हैं, मतलब आयरन और मैग्नीशियम के दोनों के हमें ऑक्साइड मिलते हैं। चलिए देखिए, जैसे कॉपर का बर्तन है, अच्छा क्या कॉपर में भी जंग लगता है? हाँ, कभी आप लोगों ने कॉपर का बर्तन यूज़ किया हुआ है घर में, देखिएगा कॉपर का होगा, तांबे का जिसको बोलते हैं। तो अगर अगर आपसे कोई पूछता है कॉपर पर जंग लगता है तो आप क्या बताओगे? आप कॉपर का जब देखते होगे तो उस पर एक काली काली सी परत जमी रहती है, वो परत क्या होती है? हाँ, जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है तब क्या होता है, उस पर एक हल्की सी परत जम जाती है। इस परत को हम कहते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये हरा रंग का पदार्थ होता है जो दो चीज़ों का मिश्रण होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। बच्चों, जो तांबे का बर्तन आप यूज़ करते हो वो धीरे धीरे करके अगर उसको सफाई नहीं करोगे तो वो काला पड़ जाता है ना। तो वो उसका जो ये कलर चेंज होता है वो किसकी वजह से होता है, वो वायु के प्रेजेंस में नमी, जो वायु की नमी होती है उसके साथ वो अभिक्रिया कर लेता है, और अभिक्रिया कराकर वो क्या बनाता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर बना लेता है, ठीक। जैसे देखिए लिखा हुआ है ना, आपने ये समीकरण देखा, समीकरण देखिए, इसमें आपको पूरा समीकरण आपको देखने को मिलेगा कि 2Cu प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2 इज इक्वल टू CuOH होल ट्वाइस प्लस CuCO3। CuCO3 क्या है? कॉपर कार्बोनेट। और CuOH होल ट्वाइस क्या है? कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक। नम वायु क्या है यहाँ पर? H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कॉपर का जब नम वायु में अभिक्रिया होती है ऑक्सीजन के साथ तब क्या बनता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, ठीक। आई होप यहाँ पे आपका ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब मैग्नीशियम रिबन का दहन आपने याद कर लिया। मैग्नीशियम रिबन को जब हम गर्म करते हैं या उसका जलाते हैं तो उससे जो हमें राख मिलती है, हाँ, किसी भी चीज़ को आप जलाओगे तो उसका राख मिलेगा ना, ऐश जिसको बोलते हैं, उस राख को जल में घोल कर उसका विलयन बना लेते हैं, ठीक है। अब वो विलयन अम्ली है कि क्षारीय है, इसको जानने का हम प्रयास करते हैं। तो कैसे सुनिश्चित करेंगे कि हमें जो विलयन मिला है वो अम्ली है या क्षारी है? उसके लिए हमें एक प्रेक्षण करना होता है। वो प्रेक्षण क्या है कि आप एक लिटमस पेपर ले लीजिए, ठीक। अगर लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है तो क्या है, तो इसका मतलब वो विलयन क्षारी है। लाल लिटमस से ध्यान दीजिएगा, लाल लिटमस से नीला हो जाता है तो प्रकृति उसकी क्षारी होगी, और अगर नीला से लाल हो जाता है तो उसकी प्रकृति क्या होगी? अम्ली होगी, ठीक। ये क्लियर हुआ आपका? चलिए अब देखिए, ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। सल्फर चूर्ण का दहन हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में सल्फर चूर्ण का जो दहन हुआ है, सल्फर को जलाया गया है, तो उससे एक प्रकार का गैस निकला है।
एक जो किसी भी चीज़ का आप रिएक्शन करते हो, रिएक्शन जब किसी चीज़ से कराते हो तो उसके परिणाम स्वरूप हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है ना। तो प्रोडक्ट जिसको हम उत्पाद कहते हैं, जैसे सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराया तो उससे जो हमें उत्पाद मिला उसका क्या नाम है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, गैस के फॉर्म में पाई जाती है। और सल्फर डाइऑक्साइड को जल में जब हम मिलाते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, सल्फ्यूरस अम्ल मिलेगा। ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड आपको कहाँ से मिला, सल्फर ऑक्सीजन की अभिक्रिया से मिला। और उस सल्फर डाइऑक्साइड को जब जल में मिला दिया, पानी में मिला दिया, तो हमें उसका अम्ल मिल गया, सल्फ्यूरस अम्ल जिसे कहते हैं। तो जिसको देखिए अभिक्रिया हम इस तरीके से करा सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO2, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यानी कि SO2 प्लस H2O इज इक्वल टू H2SO3। ये सल्फ्यूरस अम्ल है। अगर ये यहाँ पर ऑक्सीजन की एक मात्रा और होती, ऑक्सीजन की एक यूनिट और होती, H2SO4 होता, तब क्या होता, सल्फ्यूरिक अम्ल होता। ठीक, चलिए अब देखिए सल्फ्यूरस अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। अब ये अम्ल है ना, तो अम्ल की पहचान कैसे करोगे, नीले लिटमस को, नीले लिटमस पेपर को वो लाल कर देगा। ठीक, तो अच्छा जितने भी अधातु होते हैं, अधातु के ऑक्साइड जो हमें मिलते हैं वे कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। चलिए प्रयोगशाला में बहुत कम मिलेगा अभी आप लोगों को काम करने को, प्रयोगशाला में काम करने वाले कुछ अम्ल और क्षार के नाम याद करिए जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा क्लास 7th में। चलिए अब अभी तक हमने ऑक्सीजन साथ अभिक्रिया कराई धातु अधातु की, जिससे हमें पता चला कि अम्ल और क्षार के बारे में पता चला। अब हम अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, जल के साथ कराएंगे। चलिए देखते हैं धातु अधातु किस प्रकार जल से अभिक्रिया करते हैं। ठीक, जैसे आपने देखा है कि सोडियम जल के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, सोडियम धातु है ना, सोडियम जल के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता है, लेकिन कुछ अन्य धातु ऐसा नहीं करते हैं, जैसे आयरन। आयरन जल से धीमे धीमे अभिक्रिया करता है, धीरे धीरे अभिक्रिया करता है। ठीक, सोडियम जो होता है वो बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता है, लेकिन जो आयरन है वो जल से धीमे धीमे अभिक्रिया करता है। सामान्यतः अधातु जो होते हैं वो जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। देखिए अब दो चीज़ें आप समझ लीजिए, एक तो धातु जो होते हैं वो जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं, और अधातु जो होते हैं वो जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। और वो किस में बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं, वायु में, वायु की उपस्थिति में बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। इस प्रकार धातुओं को किस में रखा जाता है, जल में रखा जाता है, क्योंकि वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक, इसलिए उनको कहाँ रखा जाता है, जल में रखा जाता है। जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस बहुत ही सक्रिय अधातु है, वायु में अगर इसको खुला रख दो तो क्या होगा, आग पकड़ लेगा। फास्फोरस जो माचिस के डिब्बे पे, जो माचिस की तीलियाँ आप देखते हो ना, वो किससे बनी हुई है, फास्फोरस ही तो बनी है, उसमें फास्फोरस ही तो होता है, जिसको आप लिट करते हो तो जलने लगती है, रब करते हो तो जलने लगती है ना। तो वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है। फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो इसलिए उसको किस में रखा जाता है, जल में रखा जाता है, क्योंकि वो जल में तो अभिक्रिया करेगी नहीं, लेकिन वायु में रखेंगे तो वायु में बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करेगी और दहन का कार्य करेगी। ठीक, चलिए अम्ल से अभिक्रिया, देखिए दो चीज़ें आपने पढ़ा, एक था क्या, ऑक्सीजन से अभिक्रिया, दूसरा जल से अभिक्रिया, अब तीसरा आप किससे पढ़ रहे हो, अम्ल से अभिक्रिया। अम्ल से अभिक्रिया होता है तो क्या होता है, देखिए भाई धातु अधातु अम्लों के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं, चलिए एक प्रयोग कर लीजिए, क्रियाकलाप दिखा रहे हैं इसमें, कि परख नली के मुंह को अपने चेहरे से दूर रखिए, परख नली पकड़ने के लिए परख नली होल्डर का प्रयोग करिए। सावधानी है, सावधानी हमेशा ध्यान, सावधानी के साथ काम करना चाहिए, जब भी आप प्रयोगशाला में रहिए तो आप सावधानी के साथ करिए, क्योंकि अगर परख नली मुंह के पास रहेगा तो क्या होगा, आग लगने का, चेहरा जलने का डर होता है। ठीक है, इसलिए दूर रखते हैं। चलिए अब देखिए नमूने, कुछ नमूने हैं अलग अलग करके, जैसे ये है मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, आयरन है, कॉपर है, लकड़ी का कोयला है, सल्फर है। ठीक है, इन सब, ये सब कुछ चीज़ें हैं। तो कुछ नमूने अलग अलग परख नलियों में ले लीजिए और उन्हें ABCDEF से मार्क कर दीजिए।
अब ड्रॉपर की सहायता से हर परख नली में एक एक करके 5 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे। अब अभिक्रिया का आप सावधानी पूर्वक प्रेक्षण करेंगे, ठीक। यदि ठंडे विलयन में कोई अभिक्रिया नहीं होती है तो परख नली को हम हल्का सा गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद उसमें प्रक्रिया शुरू हो जाती है। प्रत्येक परख नली के मुँह के पास एक जलती हुई माचिस की तीली लेकर आइए। यही क्रियाकलाप तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्थान पर अब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोहराइए, ठीक है। ये सारे ये प्रेक्षण करिए और उसके बाद इसके सारे प्रेक्षण को, मतलब इस प्रैक्टिकल को करने के बाद सारे प्रेक्षण को आप इस जगह पर लिख लीजिए क्या क्या होता है। तो क्या धातु और अधातु अम्लों में से भिन्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं? परख नली के मुँह के पास जलती हुई माचिस तीली लाने पर कुछ में पॉप ध्वनि, जैसे पॉपअप की आवाज़ हो जाती है, क्या ध्वनि उत्पन्न हुई थी? तो आपने पाया होगा कि अधातु जो होते हैं सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक। अधातु जो होते हैं वो अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन धातु जो होते हैं वो अम्लों के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं और क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है, मतलब हल्का सा खट सा आवाज़ आती है और उसके साथ जलने लगती है। तो आपने देखा कि कॉपर जो था वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करता है। कॉपर इस क्या है? अधातु, ठीक। कॉपर क्या है? अधातु, क्योंकि वो अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अच्छा, अब देखिए कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ लेकिन डालते हैं तो अभिक्रिया कर लेता है, ठीक। अच्छा, क्षार के साथ अभिक्रिया क्या होती है? अब देखिए, आपने देख लिया अम्ल के साथ अभिक्रिया, अब देखोगे आप क्षार के साथ अभिक्रिया। क्षार के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है कि जैसे एक एक क्रियाकलाप दिया, एक परख नली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा विलयन उसकी 3-4 टिकियाँ 5 ml जल में घोल कर बनाइए, ठीक। एक परख नली में सोडियम हाइड्रोक्साइड की 3-4 टिकियाँ 5 ml जल में घोल कर हमने एक विलयन बना लिया। अब उसमें एक एल्युमिनियम की पन्नी का टुकड़ा डाल दिया, एक जलती हुई माचिस की तीली परख नली के मुँह के पास ले आते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। क्या होता है भाई? इसमें पॉप ध्वनि होती है। तो पॉप ध्वनि क्या दर्शाता है कि पहले की तरह पॉप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शा रही थी। धातु हाइड्रोजन धातु जो थे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते थे, लेकिन अधातुओं की क्षारों के साथ अभिक्रियाएं जो होती हैं वो बहुत जटिल होती हैं। तो और पांचवी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? कॉपर सल्फेट और आयरन के मध्य अगर अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? चलिए, विभिन्न बीकर में इसके लिए एक क्रियाकलाप, कॉपर सल्फेट को अगर हम जिंक के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर मिलेगा, ठीक। CuSO4 + Zn is equal to ZnSO4 + Cu। अच्छा, ये तो था कि विस्थापन अभिक्रिया। अब धातु और अधातु का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है? धातु अधातु का उपयोग सबसे पहले तो अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं, जिसे सभी सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं, हाँ, इनका उपयोग किस में किया जाता है? श्वसन के लिए, ठीक। देखो, हमें अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि क्यों धातुओं का उपयोग मशीन बनाने में, मोटर गाड़ियाँ, वायुयान, रेलगाड़ी, हाँ, उपग्रह, औद्योगिक साजो सामान, खाना बनाने के जो पात्र होते हैं, बर्तन होते हैं, जल बॉयलर है आदि के निर्माण में किया जाता है। और कुछ अधातुओं के उपयोग से भी आप परिचित हो गए होंगे, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि धातुओं का उपयोग कहाँ पर हो रहा है और अधातुओं का उपयोग कहाँ पर हो रहा है। तो चलिए, अब ये देख लीजिए कि धातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं और जिसे सभी सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं, अधातु जिनका उपयोग उर्वरक में पौधों की वृद्धि के लिए किया जाता है, अधातु जिसका उपयोग जल शुद्धिकरण प्रक्रिया में किया जाता है, और धातु जिसकी
बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है और पदार्थ में प्रयुक्त होने वाले अधातु, ये अधातुओं के गुण हैं। धातुओं का प्रयोग हमेशा मशीनों को बनाने में और अधातुओं का प्रयोग हम इन सब चीज़ों में करते हैं। तो अब आप अधातु और धातुओं के गुणों से अच्छे तरीके से परिचित हो गए हैं। तो चलिए क्लास आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।